हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। शाहिना के किचन में वेलकम। आज मैं मूंग दाल कचौड़ी बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही खस्ता और टेस्टी कचौड़ी होगी। ये हमारा 250 ग्राम मैदा है। ये हमने मैदा लिया, मैदा नहीं सॉरी आटा है। आप चाहें तो एक कप आटा एक कप मैदा भी कर सकती हैं अपने हिसाब से। और ये हमारा 100 ग्राम के अंदाज ये मूंग दाल है। इसको हमने भिगा दिया था 2 घंटा पहले। तो और अच्छा देखने के लिए ये हमने थोड़ा सा 2 चम्मच तिल दिए। बनाने के लिए ये कस्तूरी मेथी, ये काली मिर्च का पाउडर है, ये अजवाइन है, ये नमक, ये हींग दे रहे हैं, टेस्टी करने के लिए ये हमने थोड़ा सा 1 चम्मच नींबू देंगे। छोटा दाना है नींबू का, इसलिए दोनों को साथ रख करके गाड़ेंगे तो पूरा 1 चम्मच दाना हमारा निकल जाएगा। देखे ना एकदम आराम से निकल गया। थोड़ा सा रिफाइंड क्रिस्पी करने के लिए बस आया। इसमें रिफाइंड दे रहे हैं गर्म होने के लिए। चीज़ों को मिक्स करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही क्रिस्पी ये नाश्ता है चाय के साथ, या ऐसे भी इंजॉय करें। और जितने जो जो चीज़ देना चाहती हैं इसमें दे सकती हैं, अपनी अपनी पसंद है। कढ़ी पत्ता मेरे पास नहीं था, रहता तो मैं कढ़ी पत्ता भी देती इसमें। कढ़ी पत्ता नहीं था इसलिए हमने नहीं दिया। आप चाहें तो वो भी दे सकती हैं। यह हमारा सना गया। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा आटा पानी देके इसको सानेंगे। इसको मैं सान रही हूँ। बहुत ही ये चाय के साथ के लिए ऐसे भी आप बना कर रख दीजिए, जब दिल चाहता है खाइए। मूंग दाल कचौड़ी पटरी कचौड़ी नहीं है, ये पटरी है। ये हो चुका, सना ही चुका है। अब इसका लोई बनाएंगे। ये हमारा बहुत ही अच्छा आटा सना चुका। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें लिख के बताया करें कि आप लोग कौन जगह से देख रही हैं। और हमें बताया करें कि हमारा रेसिपी आप लोगों को कैसा पसंद आ रहा है, सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बताएंगे तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग देख भी रही हैं कि नहीं देख रही। इसलिए बार बार बोलते हैं हमें बताया करें। अब इसको पूरा से बेल देंगे। बेल के इसको कटोरे से काटेंगे। ऐसा ही बेल बेल करके रखते जाना, उसका सतलना। लोई बना करके कर दिए। ऐसे रोटी भी बेल करके आप कटोरी से काट करके बना सकती हैं, अपना पसंद से है। हमने इसको सीधा सीधी बेल दिया, बेल करके रख दिया है और इसको ऐसे कर रहे हैं। अब थोड़ा सा और रह गया है और बेल रहे हैं।
ये हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँ। बहुत तेजी से बनता है ये, बहुत टेस्टी क्रिस्पी होता है। ये फूलेगा नहीं इसलिए कि इसमें पूरे में मूंग है और अजवाइन है। बहुत अच्छा खुशबू उठ गया है इसका, कस्तूरी मेथी का। कड़ी पत्ता रहता तो आप कड़ी पत्ता देखिए, ये अच्छा लगता है। ये सभी नज़र आ रहा है तिल, इसीलिए तिल दिया जाता है। इसी तरीके से एक एक करके सब तलाते जाएगी, तलते जाएंगे एक एक करके सारे इसको। पापड़ी को पापड़ी भी कह सकते हैं, पापड़ी भी है कहलाती है, पापड़ी चाट जो बनता है। ये हमारा देखिए कितना अच्छा है, कितना सुंदर ये हमारा हो चुका। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये हमारा क्रिस्पी मूंग दाल की कचौड़ी तैयार हो गई। अस्सलाम वालेकुम।